कई वर्षों पहले एक सातर चोर राज्य में चोरी करता और अपनी निशानी के तौर पर एक पैगाम छोड़ जाता जिसमें लिखा होता कि पकड़ सको तो पकड़ लो, ताकि सारे राज्य के लोग समझें कि चोरी करने वाला चोर एक ही है। कई वर्ष बीत गए, हर राज्य में वैसे ही चोरियां होती रहीं, लेकिन वह सातर चोर नहीं पकड़ाया। उस चोर को पकड़ने के लिए कई महाराजाओं के गुप्तचर भी लगे रहते, जो हर घर हर नगर में पूछताछ किया करते, लेकिन उस चोर का उन्हें एक सुराख भी हाथ न लगा। कई वर्षों के बाद एक दिन शहंशाह अकबर के महल की दीवार पर कोई इंसान एक तीर चलाता है। उस तीर में एक पैगाम भी होता है। सिपाही देर न करते हुए शहंशाह अकबर के पास जाता है और उन्हें वह पैगाम पढ़कर सुनाता है। जहाँ पना, यह उसी सातर चोर का पैगाम है। उसने लिखा है, चुराया हुआ खजाना एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। वह खजाना आपको देना चाहता है, क्योंकि वह चोर अब बूढ़ा हो चुका है। वह चाहता है खजाने का उपयोग सही जगह हो सके, इसलिए उसने वह पैगाम आपको ही भेजा। लेकिन यह खजाना कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही हासिल कर सकता है। वह खजाना पश्चिम दिशा की ओर नदी के पार लाल पहाड़ी पर छुपाया है। वहाँ आपको 5 रंग के पत्थर रखे हुए मिलेंगे। वहीं एक निशान बना हुआ होगा जिसमें पत्थर रखना है। सभी पत्थरों का वजन अलग अलग है। यदि उस निशान पर गलत वजन का पत्थर रखाएगा तो सारा का सारा खजाना जमीन में हमेशा के लिए धस जाएगा। मुझे जो रंग पसंद है वह पत्थर उस निशान पर रखना है। इसके लिए आपको केवल 3 बार ही मौका मिलेगा, वरना सारा खजाना जमीन में ही दफन हो जाएगा। वह पैगाम सुनकर शहंशाह अकबर, मंत्री बीरबल और कुछ सिपाही बताई गई जगह पर पहुंचते हैं और वैसे ही 5 रंग के पत्थर वहां पाते हैं। कौन से रंग का पत्थर रखना चाहिए? हुजूर, वह चोर हमेशा पीले रंग का पैगाम तिजोरी में छोड़ता था, इसलिए पीला पत्थर होगा। ठीक है, रखो। पीला पत्थर उस निशान पर रखने पर जमीन हिलने लगती है, फिर उस पत्थर को वापस उठा लिया जाता है। आप कौन सा पत्थर रखें? उस चोर ने काली स्याही का इस्तेमाल किया है, उसका पसंदीदा रंग काला होगा। फिर काले रंग के पत्थर को रखा जाता है, जमीन फिर हिलने लगती है। बीरबल, ये अब अंतिम मौका है, कुछ करो। हुजूर, जरूरी नहीं कि इंसान को एक ही रंग पसंद हो, उसे 2 रंग भी तो पसंद आ सकते हैं। पैगाम पीले रंग का है और उसमें लिखी स्याही काले रंग की, इसलिए हुजूर दोनों पत्थर रखना सही होगा। यह कहकर मंत्री बीरबल दोनों पत्थर उस निशान पर रख देते हैं। पत्थर रखते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। गुफा में रखा खजाना, अंगूठी, हार, हीरा, सोना, चांदी सब देखकर शहंशाह अकबर और मंत्री बीरबल बहुत खुश होते हैं।